हेलो दोस्तों, ये रहे मेरे कुछ शेयर्स जो मैंने बाय कर रखे हैं, जैसे प्रिंस पाइप, एचली क्लास, डी मार्ट, IEX, रिलैक्सो, ट्राइडेंट, हैप्पीएस्ट माइंड, Naukri.com, दीपक नाइट्रेट, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। ये सभी मेरे स्टॉक्स है, पोर्टफोलियो हैं, जिन्हें मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ, और इसे मैंने पिछले 1 साल से होल्ड कर रखा है। और क्या आप अपना राय देना चाहेंगे, मुझे होल्ड करना चाहिए या नहीं, या फिर कौन सा स्टॉक बेकार है या कौन सा अच्छा है, आप कमेंट में बता सकते हैं। सो आज का मार्केट हम देखें अगर, तो आज निफ्टी 0.72% गिर गया है। इसका सिर्फ एक ही वजह है, और यह है कि इसराइल और फलस्तीन के बीच वार हो रहे हैं, इसी वजह से आज मार्केट गिरा है। तो ऐसे छोटे मोटे वार से हमें डरना नहीं है, ना ही मुझे अपने पैसे विड्रॉ करना है, लेकिन ये एक सही अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने का। सो देखिए, जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होते हैं ना, वो हमेशा टिके रहते हैं मार्केट में। तो आप देख सकते हैं बैंक के सभी शेयर्स आज डाउन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ दिन और वेट करना चाहिए, इसलिए कि आपको और अच्छे मौके मिल सकते हैं। जैसे देखिए, दीपक नाइट्रेट काफ़ी लो पर ट्रेड कर रहा है, आप पिछले 1 सालों से लगभग ये 2000 और 2200 के बीच ही ट्रेड कर रहा है। ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये 2200 रुपये को क्रॉस नहीं कर पा रहा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये गया था 2350 तक, वहाँ से फिर नीचे आ गया। ठीक है, आप इसका फंडामेंटल हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ दीपक नाइट्रेट सर्च कर लेता हूँ, सॉरी कोई और खुल रहा है। यहाँ पे रहा दीपक नाइट्रेट, आज 39 रुपये डाउन हुआ। ठीक है, देखते हैं फोरकास्ट और रेटिंग देख सकते हैं। 50% लोगों ने बाई करने का सजेस्ट दिया। यहाँ पे देख रहे हैं फाइनेंशियल ट्रेंड, देखिए लगातार बढ़ रहा, और प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ा है, 3.42%। यहाँ देख सकते हैं डिविडेंड, जुलाई 27 जुलाई को इन्होंने डिविडेंड शेयर किया है, 7 रुपये, 7.5 रुपये पर शेयर। अभी फाइनेंशियल ट्रेंड्स देख लेते हैं, ये बैलेंस शीट पे जाते हैं, कैश फ्लो इनके पास 289 करोड़ है। EPS में थोड़ा गिरावट आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ओवरऑल ये अच्छा शेयर है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इसे बाय कर रखा है, आप खुद भी रिसर्च कीजिए तब इन्वेस्ट कीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट कभी ना करें। ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप कैसे फंडामेंटल चेक करते हैं किसी भी स्टॉक का। अगर आप प्रीमियम लेते हैं इस ऐप का, तो आपको इसे बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बाई का रिकमेंडेशन भी नहीं कर रहा हूँ आपको, बस मैं बता रहा हूँ और भी बहुत सी चीज़ें जिसमें आपको चेक करना चाहिए, परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, ग्रोथ, आप screener.com पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे आप फ्री वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल जानने के लिए।